आज ही के दिन बिकरू कांड हुआ था, एक साल हो गया है, तो बहुत मतलब एक बैड चैप्टर था, ऐसी घटना फिर से ना हो इसके लिए कुछ विशेष ध्यान रहेगा, विशेष कुछ दिशा निर्देश रहेंगे सर? जी आपने सही कहा, जब ये घटना हुई थी उस समय मैं प्रदेश में नहीं था, लेकिन ये काफी चर्चा में आया था और शायद कई सालों से जिस तरीके से एक अपराधी और पुलिस के कुछ कर्मियों के बीच में एक गठजोड़ सा बना हुआ था, वो अगर ठीक से उस देखा जाता तो शायद इतनी विकराल ये घटना नहीं हो पाती। जैसा मैंने अभी कह रहा था, यहाँ छोटी घटनाओं की बात मैं कर रहा था कि छोटी छोटी घटनाएं या छोटी छोटी बातें अगर नजरअंदाज की जाएगी तो एक दिन एक बड़ी घटना का रूप लेगी। देखिए पत्रकार भी आम जनता का पार्ट है और जिस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता का हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे तो पत्रकार भी सुरक्षित महसूस करे, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर अवैध धर्मांतरण पे बड़ी कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और जो लोग जमानत पे बाहर आ गए उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी अभी तक फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ है। आप अपने डीजीपी के तौर पे आ गए हैं, आप क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे जाएगी, किस तरह? अभी इसको मैं स्टडी करूंगा और अन्य अधिकारियों से भी बात करके इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करूंगा और जहां पर भी जो भी दोषी है मैं तो इतना कहूंगा कि वो बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सर 2022 में विधानसभा चुनाव है, 2017 में जब सरकार आएगी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आएगी, एक अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी प्रदेश में चल रही थी, आपको लगता है 2022 के चुनाव में क्या जो लीगेसी चलती आ रही क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था की वो आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए जो भी व्यवस्था है उसको स्टडी करेंगे, हर हर अधिकारी अपने तरीके से काम करता है, उसकी अपनी एक सोच होती है और लेकिन उस सोच को अपनी टीम के साथ शेयर करके प्रदेश के हित में जो भी होगा कानून के अंदर रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। टेंशन कितना बड़ा मुद्दा है क्योंकि 2022 का चुनाव भी आने वाला है और छोटी मोटी खबरें आती ही रहती है और अब चुनाव त्योहारों का सीजन भी आने वाला है, कम्युनल टेंशन उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा है और उससे पुलिस कैसे निपटेगी, क्या कोई अलग कार्य योजना बनाएंगे? लेकिन जो पुलिस का बेसिक वर्क है अगर वो सही ढंग से करती रहे तो फिर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। जो त्योहार आ रहे हैं उनके लिए कार्य योजना पुरानी बनी हुई है सब हर त्योहार के लिए कि क्या क्या कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, जब कमी कहीं पे रह जाती है तभी इस तरह की बातें आती, पुलिस अपना होमवर्क करेगी और हर त्यौहार को ठीक से इसमें निपटाएगी और जहां पर अफवाह की बात होती है, कोई अफवाह फैला रहे हैं, कोई गलत मुकदमे दिखाने की कोशिश हो रही है, उसमें सही जांच करके सही कार्रवाई होनी चाहिए। सर ये साइबर क्राइम जो है वो काफी बढ़ गया है और साइबर हैकर्स भी काफी एक्सपर्ट हो गए हैं लेकिन पुलिस के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो किसी को कैसे कैच कर पाए या पकड़ पाए, इसके लिए सर क्या स्ट्रेटजी, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जो है साइबर के स्टार्ट हो गए आ रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो चाहे वो बैंक के थ्रू हो, और पुलिस के पास इतना ना वो थाने इतने डेवलप है कि जहाँ पर जाके शिकायत हो सके ना ही इस तरीके की टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी इसको निस्तारण कर सके, ऐसे में जो है जो जाते हैं वो काफी टाइम लगता है और काफी पुलिस से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो एक्सपेक्ट करते हैं। ये आपने काफी सही बात कही है और साइबर क्राइम के महत्ता को देखते हुए प्रशासन ने हर एक परिक्षेत्रीय स्तर पर 18 थानों का गठन किया है और एक यहाँ ही एडीजी साइबर क्राइम का पोस्ट क्रिएट है और इस पर जब रेगुलर महानिदेशक स्तर से प्रति शुक्रवार को इसका रिव्यू भी किया जाता है और चुनौतियाँ हैं लेकिन हम उसके साथ कोपअप कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी हम अपने लोगों को लगातार दे रहे हैं और साइबर क्राइम से निपटने की पूरी कार्य योजना उत्तर प्रदेश पुलिस की है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 4.5 साल में कहीं भी क्रिमिनल
घटना नहीं हुई है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अगर आप देखना चाहें क्राइम इन इंडिया जो 19 का डेटा पब्लिश है उसके हिसाब से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और 4.5 साल में किसी तरह का कोई दंगा आप सबको पता है ऐसा नहीं है। और लगातार जो इस तरह से अफवाह फैलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक काम करता है और प्रत्येक जिले में, प्रत्येक परिक्षेत्र में, प्रत्येक जोन में इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है और इस तरह से अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध या गलत सूचना फैलाए देने वालों के विरुद्ध भी FIR हुई है, कार्रवाई की गई है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के लिए दोनों के लिए महिला सुरक्षा बड़ा चुनौती हो रहा है, चाहे वो दस्तर पे स्टार्ट हुआ यहाँ पर या उससे जुड़े हुए और भी, लेकिन